फरहान खान ने एकता कपूर के शो से क्या अब सुंबुल का पत्ता कट करवा दिया है? जी हाँ, एक शो में इन दोनों के साथ में आने की खबरें थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि फरहान के इस सीरियल में अब सुंबुल नहीं, बल्कि ये बहुत बड़ी स्टार जो है फरहान के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। कौन है वो और क्या वाकई में कटवाया है फरहान ने पत्ता? क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एकता कपूर के शो से क्या सुंबुल का पत्ता कट चुका है? आपको याद होगा, एकता कपूर जब बिग बॉस 16 में गई थी तब उन्होंने कहा था कि आप में से किसी एक को मैं अपनी नागिन जरूर बनाऊंगी, अपने शो में काम दूंगी। हालांकि शालीन को बाहर आने के बाद काम मिला, लेकिन हम आपको बता दें कि यहां पर खबरें थी कि सुंबुल बनने वाली है एकता की नई नागिन और फरहान जो है इस बार नागिन करते नजर आएंगे। लेकिन फरहान ने धर्मपत्नी का शूट शुरू कर दिया और धर्मपत्नी अब जल्द ही ऑफ एयर जाने वाला है। हालांकि इसके ऑफ एयर जाने को लेकर कोई कंफर्म खबरें तो नहीं है, लेकिन अब खबर आ रही है कि यहां पर फरहान ने क्या सुंबुल का पत्ता कटवा कर आयशा सिंह और जेनिफर के लिए बात की है। खबर यही है कि जेनिफर विंगेट जो हैं वो अब रोमांस करती नजर आएंगी, किसी और को नहीं बल्कि फरहान को। एकता कपूर ने दो एक्ट्रेस को शॉर्टलिस्ट किया है। वो नहीं चाहती थी कि फरहान के अपोजिट ऐसी एक्ट्रेस हो जिसको लेकर फरहान अनकंफर्टेबल महसूस करे, और इसीलिए आयशा जो गुम है किसी के प्यार में सई के किरदार से बहुत फेमस हुई, वो और जेनिफर, ये दो एक्ट्रेस जो हैं वो एकता के शो के लिए शॉर्टलिस्ट की गई हैं, और अब इनमें से किसी एक को रोमांस करते नजर आएंगे फरहान खान। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।